जी राधे राधे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी पत्नी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके होने से कोई और दुश्मन की दुश्मनी भी फीकी पड़े। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दिल्ली के थाना शाहीनबाग के नई बस्ती ओखला के रहने वाले कपिल की ससुराल उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के आसफाबाद में थी। करीब 3 साल पहले किसी बात को लेकर उसका अपनी पत्नी खुशबू से झगड़ा हो गया था। तब खुशबू नाराज होके अपने मायके चली गई थी और फिर वापस नहीं लौटी। इतना ही नहीं, 2.5 साल पहले खुशबू ने फिरोजाबाद न्यायालय में जाके कपिल के खिलाफ घरेलू हिंसा और मारपीट का मुकदमा दायर करा दी। इसी वजह से कपिल हर तारीख पर फिरोजाबाद कोर्ट जाता था और तारीख निपटा कर रात को दिल्ली लौट आता था, जिसमें उसे कभी कभी काफी देर भी हो जाता था। दिल्ली की नई बस्ती के ओखला के रहने वाले कपिल चंद्र की शादी सन 2015 में खुशबू के साथ हुई थी। शादी के 1.5 साल तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। कपिल की गृहस्थी हंसी खुशी से चल रही थी। करीब 3 साल पहले जैसे उसके परिवार को नजर लग गई। हुआ यह कि खुशबू अक्सर मायके चली जाती थी। इससे कपिल को उसके चरित्र पर शक होने लगा। इसके बाद पति पत्नी में तकरार शुरू हो गई। पति पत्नी में आए दिन झगड़े होने लगे। गुस्से में कपिल खुशबू की पिटाई भी कर देता था। गृह क्लेश के चलते खुशबू अपने बेटे को लेकर अपने मायके में आकर रहने लगी। 2.5 साल पहले उसने कपिल पर घरेलू हिंसा और मारपीट के लिए फिरोजाबाद न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया था। इसी वजह से 10 फरवरी 2020 को भी वह इसी मुकदमे की तारीख के लिए दिल्ली से फिरोजाबाद आया, लेकिन वह रात को घर नहीं पहुंचा, तो घर वालों ने पूरी रात इंतजार किया और उसे 11 फरवरी की सुबह फोन की, लेकिन उसका फोन नहीं लगा। इससे घर वाले परेशान हो गए। उन्होंने फिर से 11 फरवरी की शाम तक कपिल का इंतजार किया, लेकिन वो घर नहीं लौटा। इसके बाद उनकी चिंता और भी बढ़ गई। फिर 12 फरवरी को कपिल की माँ, उसकी बहन और मामा, मौसी फिरोजाबाद के लिए निकल गए। कपिल की ससुराल वाला इलाका थाना रसूलपुर क्षेत्र में आता है, इसलिए वे सभी थाना रसूलपुर पहुँचे और कपिल के घर न लौटने की बात बताई। लेकिन थाना रसूलपुर से उन्हें यह कहकर थाना मटसेना भेज दिया गया कि कपिल कोर्ट की तारीख पर आया था और कोर्ट परिसर उनके थाना क्षेत्र में नहीं बल्कि थाना मटसेना में पड़ता है। इसलिए वे सभी लोग उसी दिन थाना मटसेना पहुंचे, लेकिन वहां भी उनकी बात गंभीरता से नहीं सुनी गई। ज्यादा जिद करने पर मटसेना पुलिस ने कपिल की गुमशुदगी दर्ज कर ली और गुमशुदगी दर्ज करके उन्हें थाने से टरका दिया। इसके बाद भी वे लोग कपिल की फिरोजाबाद में ही तलाश करते रहे। इसी बीच 15 फरवरी की दोपहर को किसी ने थाना रामगढ़ के बाईपास पर स्थित हिना धर्मकांटा के पास नाले में एक आदमी की लाश पड़ी देखी। इस खबर से वहां सनसनी फैल गई। कुछ ही देर में वहां भीड़ भी इकट्ठा हो गई। इसी दौरान किसी ने इसकी सूचना रामगढ़ थाने में दे दी। उसके बाद कुछ ही देर में थाना प्रभारी श्याम सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने शव को नाले से बाहर निकलवाया और जांच की तो देखा मृतक के कानों में मोबाइल का ईयरफोन लगा था। पुलिस ने उसकी पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों में से कोई भी उसे नहीं पहचान सका। फिर पुलिस ने उस अज्ञात आदमी की लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद भेज दी। कपिल की माँ और बहन उस समय फिरोजाबाद में ही थीं। शाम के समय जब उन्हें बाईपास के पास नाले में पुलिस द्वारा किसी अज्ञात आदमी की लाश बरामद किए जाने की जानकारी मिली, तो माँ बेटी थाना रामगढ़ पहुंच गईं। उन्होंने थाना प्रभारी श्याम सिंह से अज्ञात युवक की लाश के बारे में पूछा तो थाना प्रभारी ने उन्हें फोन में खींचे गए फोटो दिखाई। फोटो को देखते ही वे दोनों रो पड़ी, क्योंकि लाश कपिल की ही थी। इसके बाद थाना प्रभारी माँ और उसकी बेटी को जिला अस्पताल की मोर्चरी ले गए। उन्होंने वह लाश दिखाई तो दोनों ने उसकी पहचान कपिल के रूप में कर दी। लाश की पहचान हो जाने के बाद थाना प्रभारी ने भी राहत की सांस ली। लेकिन पुलिस का काम अभी बाकी था। पुलिस को अभी उसके मरने का कारण पता नहीं चला था और पुलिस को अब इसका छानबीन करना था। उसके बाद थाना प्रभारी ने शव की पहचान होने की जानकारी एसपी प्रबल प्रताप सिंह को दे दी और उनके निर्देश पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। थाना प्रभारी श्याम सिंह ने मृतक कपिल की माँ और बहन से बात की तो उन्होंने बताया कि कपिल की पत्नी खुशबू चरित्रहीन थी। इसी बात पर कपिल और खुशबू के बीच अक्सर झगड़ा होता था, जिसके बाद खुशबू मायके में आकर रहने लगी थी। कपिल की बहन ने आरोप लगाया कि खुशबू ने ही अपने परिवार के लोगों से मिलकर उसके भाई की हत्या की है। पुलिस ने कपिल की बहन की तरफ से कपिल की पत्नी खुशबू, सास साले, साली और सुनील की पत्नी ममता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी।
उसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। पुलिस ने मृतक की पत्नी खुशबू और उसकी मां को हिरासत में ले लिया। उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई। खुशबू से की गई पूछताछ में पुलिस को कोई खास जानकारी हाथ नहीं लगी, बस यही पता चला कि कपिल पत्नी के चरित्र पर शक करता था। फिर भी पुलिस यह समझ गई थी कि एक अकेली औरत कपिल का न तो मर्डर कर सकती है और न ही शव घर से दूर ले जाकर नाले में फेंक सकती है। पुलिस चाहती थी कि कत्ल की इस वारदात का पूरा सच सामने आए। इस बीच जांच के दौरान पुलिस को एक अहम सुराग हाथ लगा। किसी ने थाना प्रभारी को बताया कि खुशबू चोरी छिपे अपने प्रेमी चंदन से मिलती थी। दोनों के नाजायज संबंधों का जो शक किया जा रहा था उसकी पुष्टि हो गई। जाहिर था कि हत्या अगर खुशबू ने की थी तो कोई न कोई उसका संगी साथी जरूर रहा होगा। इस बीच पुलिस की बढ़ती गतिविधियों और खुशबू को हिरासत में लिए जाने की भनक मिलते ही खुशबू का प्रेमी चंदन और उसका साथी प्रमोद फरार हो गए। इससे उन दोनों पर पुलिस को शक हो गया, इसलिए उनकी सुराग के लिए पुलिस ने जाल फैला दिया। फिर उनको देखे जाने की सूचना पर घटना के तीसरे दिन पुलिस ने खुशबू के प्रेमी चंदन और उसके साथी प्रमोद को कनेटा चौराहे के पास से हिरासत में ले लिया। दोनों वहां से फरार होने के लिए किसी वाहन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तब तक पुलिस को सूचना मिल गई थी और पुलिस ने उन दोनों को पकड़ ली। फिर दोनों को पुलिस थाने लाकर दोनों से पूछताछ की तो थाने में चंदन और प्रमोद से खुशबू का आमना सामना कराया गया तो तीनों सकपका गए। इसके बाद उन्होंने आसानी से अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिर खुशबू और चंदन ने कपिल की हत्या की सारी कहानी जब पुलिस को बताया तो सब हैरान रह गए। मैं इससे आगे की कहानी आपको बताऊं उससे पहले अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा जिससे मैं आपके लिए और भी वीडियो बना पाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की कहानी में। मायके में रहने के दौरान खुशबू के अपने पड़ोसी चंदन से प्रेम हो गया था। हालांकि चंदन शादीशुदा था और उसकी 6 महीने की बेटी भी थी। कहते हैं प्यार अंधा होता है। दोनों एक दूसरे को दिलोजान से चाहने लगे थे। मायके में रहने के दौरान चंदन खुशबू के पति की कमी पूरी कर देता था, लेकिन ऐसा कब तक चलता। एक दिन खुशबू ने चंदन से कहा, चंदन हम लोग ऐसे चोरी छिपे आखिर कब तक मिलते रहेंगे, तुम मुझसे शादी कर लो। मैं अपने पति से पीछा भी छुड़ाना चाहती हूँ, लेकिन वह मुझे तलाक नहीं दे रहा। अगर तुम रास्ते के इस कांटे को हटा दोगे तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। चंदन को खुशबू की सलाह अच्छी लगी। इसके बाद खुशबू और उसके प्रेमी चंदन ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। मुकदमे की तारीख पर खुशबू और कपिल की बातचीत हो जाती थी। खुशबू ने चंदन को बता दिया था कि कपिल हर महीने मुकदमे की तारीख पर फिरोजाबाद कोर्ट में आता है। 10 फरवरी को अगली तारीख है, वह उस दिन तारीख पर जरूर आएगा, तभी उसका काम तमाम कर देंगे। कपिल 10 फरवरी को कोर्ट में अपनी तारीख के लिए आया। कोर्ट में खुशबू और कपिल के बीच बातचीत हो जाती थी। कोर्ट में तारीख हो जाने के बाद खुशबू ने उसे बताया, अपने बेटे जिगर की तबीयत ठीक नहीं है, वह तुम्हें बहुत याद करता है, उससे एक बार मिल लो। अपने बेटे की बीमारी की बात सुनकर कपिल परेशान हो गया और तारीख के बाद खुशबू के साथ अपनी ससुराल पहुंचा। कपिल शराब पीने का शौकीन था। खुशबू के प्रेमी और उसके दोस्त ने कपिल को शराब पार्टी पर आमंत्रित किया। शाम को ज्यादा शराब पीने से कपिल नशे में चूर होकर गिर पड़ा। कपिल के गिरते ही खुशबू ने उसके हाथ पकड़े और प्रेमी चंदन और उसके साथी प्रमोद ने साथ लाई रस्सी से कपिल के हाथ बांधने के बाद उसके सिर पर मोटे सरिया से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। कपिल की हत्या इतनी सावधानी से की गई कि पड़ोसियों को भी भनक नहीं लगी। हत्या के बाद उसी रात उसके शव को चंदन और उसके दोस्त मोटरसाइकिल से ले जाकर बाईपास के किनारे स्थित नाले में डाल दिए और वापस घर लौट आए। फिर 15 फरवरी को शव से दुर्गंध आने पर लोगों का ध्यान उधर गया तो कपिल की लाश पुलिस को मिली। अपराध स्वीकार करने के बाद पुलिस ने खुशबू और उसके प्रेमी चंदन और उसके दोस्त प्रमोद राठौर को कपिल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त रस्सी, मोटा सरिया और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। खुशबू ने अपने प्यार की राह में रोड़ा बने पति कपिल को हटाने के लिए प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर हत्या का षड्यंत्र रचा था। खुशबू ने पति की हत्या की जो कहानी बताई वो समाज में पति पत्नी के रिश्तों को भी सक के धागा में पिरो दिया। भला ऐसे में कौन किस पे विश्वास करेगा। दोस्तों ऐसे और भी रियल क्राइम से जुड़े कहानियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं
आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। जब तक सेफ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।